अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है आप लोगों की। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे और हम भी अल्लाह का शुक्र है आप सबकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हैं। मेरे व्लॉग्स बहुत ज़्यादा लेट आ रहे हैं, उसके लिए आप सबसे बहुत बहुत ज़्यादा माजरत। मुझे आप लोगों ने कमेंट करके कहा था कि डेली व्लॉग्स डालें, लेकिन वो हो नहीं पा रहा, उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा माजरत करती हूँ आप लोगों से, शर्मिंदा हूँ। कोशिश कर रही हूँ कि करूँ अपने आप को बेहतर, लेकिन बस वो हो नहीं पा रहा क्योंकि बस नहीं मिल पाता मुझे, एडिटिंग करने का टाइम नहीं मिल पाता। छोटा है बच्चा मेरा, दुनिया वाले करते हैं, लोग करते हैं, पता नहीं कैसे कर लेते हैं, मैं वही सोचती हूँ पता नहीं कैसे कर लेते हैं, लेकिन खैर मुझसे नहीं हो पा रहा। मैं कोशिश करूँगी इंशाल्लाह कि आप लोग जो कह रहे हैं कि डेली व्लॉग्स डालूँ, इंशाल्लाह मैं करूँगी। तो फ़िलहाल आज का जो हमारा व्लॉग है, आज हम जा रहे हैं मेहंदी में, हमारे अजीज़ हैं उनकी मेहंदी है, उन्होंने हमें इनवाइट किया है। आज मेहंदी है, आज है क्या दिन है आज बेटा? आज क्या दिन है? ट्यूसडे। आज ट्यूसडे नहीं है, वेडनेसडे भी नहीं है, आज थर्सडे है। यस, आज थर्सडे है। हाँ, आज है थर्सडे और फिर है सैटरडे को शादी है इंशाल्लाह, तो उस दिन भी जाएंगे। अब देखती हूँ, पता नहीं ये वाला व्लॉग मैं पहले डाल दूँ शायद, आज ही डाल दिया। हाँ, तो अभी मैंने तैयारी करनी है, अभी हम लोग उठे हैं, उठे तो खैर नहीं, काफ़ी देर हो गई उठे हुए। हाँ, नाश्ता वाश्ता भी कर चुके हैं, काफ़ी कुछ हो चुका है, जाकिर को आशिर को नहला चुके हैं और अली इस वक्त गए हुए हैं बाहर काम से, वो आएंगे तो वो तैयार होंगे। उन्होंने कहा तुम लोग रेडी रहना, तो मैं जाकिर को ज़रा सुला रही हूँ, सो जाए तो फिर उसके बाद मैं तैयारी शुरू करती हूँ। इसको सबसे आखिर में तैयार करूँगी, पहले मैं खुद तैयार हो जाऊँ, मेकअप वगैरह करना होगा। मैंने आशिर का भी कोई मसला नहीं है, नहा धो चुका है, बस ऊपर से मैंने उसको चेंज कराना है। अभी बिस्तर विस्तर सब फैला हुआ है, ये चीता बने हुए दिख रहा है अभी, दिख रहा है ये हम लोग इसका संडे बाजार से ड्रेस लेकर आए थे, तो ये इनको बड़ा पसंद आया तो ये वो पहन कर बैठे हुए। तो खैर चलते हैं, अभी तैयारी करते हैं और उसके बाद फिर इंशाल्लाह शायद आप लोगों से मुलाकात हो, निकलते हुए एक क्लिप ले लूँगी और उसके बाद फिर वहाँ शादी में जाके, मतलब मेहंदी में जाके हॉल में मुलाकात होगी। ठीक है, चले चलते हैं। हाय जी, तो फ्रेंड्स हम रेडी हो चुके हैं, मैं दिखा नहीं सकी आपको, रोशनी बहुत कम आ रही है। ये मेरा बेटा और ये मेरे मियाँ, क्योंकि बहुत गुस्से में है क्योंकि देर हो चुकी है, देर मुझे करवा दी है, बहुत मैंने नहीं करवाई है। और खुद मैं तैयार हो गई हूँ और ये है मेरा फुल लुक, ऐसे ही देखने यार। बाकी अगर मुझे टाइम मिला तो मैं वहाँ जाके दिखा दूँगी और बस चलते हैं, बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है। हमें 6 बजे पहुँचना था और 7:30 से ऊपर, 7:30 बज रहे हैं ना, है ना? हाँ, 7 बज रहे शायद। अच्छा, आ गए। ओहो, हम लेट हो गए हैं। चलो आशिर गेट खोलो, मम्मा खोल लेंगी, मेरे लिए भी खोल दीजिएगा।
चलो आशीर जल्दी घुसो अंदर। दुल्हन ब्राइड से मिलने ये हैं ब्राइड हमारी, माशाल्लाह बड़ी प्यारी लग रही हैं। अल्लाह ताला नसीब अच्छे करे, आप लोग भी दुआ कीजिएगा इनके लिए। अच्छा अभी तक हमने इसका फेस रिवील नहीं किया है। किसके पास है जाकिर? हाँ देख लो, चलो आपको याद आएगा, बड़े होके देखो। हाँ ये फूफो है, गुस्सा कर रहे हैं। गुस्सा नहीं कर रहा, वो बच्चे ऐसे ही करते हैं। ये भी आ जाओ, इधर से आओ, सामने आओ, यहाँ से आओ, इधर आओ, आओ आओ इससे आओ, उस साइड आओ। हाँ आ जाओ, आओ आओ पास आओ, ना बिल्कुल फूफो के पास आओ, आ जाओ आ जाओ फ्रेम में आ गया। वो अपने आप को देख रहा है, अभी 2 महीने का था ये। फ्रेंड्स तो आप लोगों ने ब्राइड को देख लिया, मैं नीचे देखते हुए चलूँगी क्योंकि मैंने पहनी हुई है हील आफ्टर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम, तो मुझे थोड़ा सा ना डर लग रहा है क्योंकि साथ में जाकिर है ना,
तो आपको पता है थोड़ा सा डर लगता है, तो मैं नीचे देख के चलूँगी, डोंट माइंड। और चलते हैं अंदर, और फिर जब ब्राइड आएगी तो फिर आपको अंदर दिखाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स? तो फिर चलते हैं। हम बैठे हुए हैं और ब्राइड की अभी सिस्टर ने आना है, उसका वेट कर रही हूँ मैं। आएगी तो आप लोगों से मिलवाऊंगी इंशाल्लाह। उसकी वो बड़ी बहन है, सिस्टर है, इंशाल्लाह वो आती है तो फिर आप लोगों से मुलाकात करवाती हूँ, अगर वो कैमरे के सामने आई तो। फ्रेंड्स ऐसा है कि मेरा हाथ जो है ना वो बहुत ज्यादा हिलने लगा है, तो उसके लिए बहुत ज्यादा माजरत। पता नहीं, पहले मेरा हाथ बहुत ज्यादा स्टेबल था वीडियोस वगैरह बनाने में, अब बहुत ज्यादा हिलता है शायद वीकनेस की वजह से, तो प्लीज माइंड मत कीजिएगा। जैसे भी सिनेमेटिक्स है प्लीज इंजॉय, ओके? हाँ बना के आए। दूल्हे तो रुकता है, मम्मा आ जाएंगी रिवर्स में, आप देख के हटो सर, आपको तो अपना पूछो। Thank you.
ये पल एक माँ बाप के लिए कितना मुश्किल होता होगा कि अपनी बेटी को, छोटी सी बच्ची को लेके जवान करने तक पाल कर पोस कर इतने लाड प्यार से बड़ा करना, और उसके बाद जब वो वक्त आता है, जब उसकी शादी का वक्त आता है, उसकी रुखसती का वक्त आता है, तो वो पल उन माँ बाप के लिए कितना मुश्किल होता होगा कि किसी एक ऐसे बंदे के हाथ में अपनी बेटी का हाथ थमा देना जिसका हमें नहीं मालूम कि वो आगे अब उनकी बेटी को खुश रख सकेगा या नहीं, क्योंकि फ्यूचर तो कोई नहीं जानता। और उसके बाद उसका हाथ उस बंदे के हाथ में थमा कर इस तरह से वापस पलट कर आना, ये देखकर मुझे मेरा वक्त याद आ गया था और मेरी आंखों में आ गए थे आंसू। लेकिन क्या कर सकते हैं, ये तो करना ही होता है। हर माँ बाप का ये फ़र्ज़ है कि अपनी बेटी को रुखसत करो।
ले दुबई में। क्यों भाभी? अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? कैसे? ये है छोटू, सो रहा है। हाँ वो ये छोटू मियाँ हमारे जाकिर, और ये आशीष। आशीष सलाम करो। मम्मा आले अली, मम्मा आले अली, आले अली फोन पे सलाम करें। ये आले अली दुबई में। हाँ इधर मुँह करो हीरा। हैं ब्राइट की बड़ी बहन, माशाल्लाह। चलो ठीक है। ये जो आज तकरीबन नफिज हो रही है, ये तकरीब दोनों खानदानों के लिए इज्जत का, दोनों खानदानों के लिए इज्जत का बाइस बने, और दोनों खानदानों को आपस में एक दूसरे के साथ प्यार और मोहब्बत से रहने की तौफीक अता फरमाए। या अल्लाह ये दोनों बच्चे जो आज एक दूसरे के साथ बैठे हैं और कल अजवाज में मुंतकिल हो जाएंगे, इनको आपस में इन दोनों की अंडरस्टैंडिंग एक दूसरे को चाहत हो, इनके दरमियान में एक दूसरे को ये समझें, और इनके दरमियान ऐसा इत्तफाक हो जैसा हजूर पाक और जनाब खदीजा के दरमियान था, इन दोनों के दरमियान ऐसी मोहब्बत हो जैसी जनाब हजरत अली अलैहिस्सलाम और जनाब खातून जन्नत के दरमियान था। से मिल लिए? कौन सी? ब्राइट पुप्पो और उनकी सिस्टर से मिले? बड़ी पुप्पो से मिले? हेरा से? हाँ यार आप। हाँ ये है। हाँ जी ना जी, हमारा छोटा भाई। दो टाइम बाद मिले हैं भाई, टीचर में ये ब्राइट के ब्रदर हैं। तो दिया भी बैठ दे दे, इधर बैठ दे दे, आले अली को मिस कर रहे यार, आले अली भाई मिल रहे क्या है? और फिट हो, बहुत मुबारक हो यार। हाँ बहुत मुबारक हो भाई आपको। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाओ। मैंने आपको देखा हुआ बहुत है लेकिन मैं मिली नहीं। कोई बात नहीं। हाँ चलो ठीक है। हाँ ये ब्राइट की, ये ब्राइट की बड़ी बहन, छोटी नहीं है, सबसे बड़ी बहन। सबसे बड़ी है ये? सबसे बड़ी बहन है, राइट आफ्टर आलिल। आलोली सबसे बड़ा भाई है, आलोली के बाद इसका नंबर है, उसके बाद हीरा है। हाँ फिर वो है ब्राइट। ओके। और सबसे छोटा नादिर। हाँ जिनसे अभी आप मिले थे। हाँ। ये है ब्राइट की मदर, शायद पहले मैंने दिखाया हो। काफी सारे लोग हैं यहाँ जिनको मैं नहीं जानती और ना लोग मुझे जानते। मेरा सीन ये है कि मैं बहुत सारे लोगों को भूल चुका हूँ, नहीं याद आ रहे, लेकिन सब मुझे जानते हैं। हाँ दूर से आके लोग मिलते हैं। ये ज़्यादा पता है क्या उसको कहते हैं, बात इसके ऊपर ज़्यादा वो क्या उसको फील होती है यार, थोड़ा सा शर्म फील होती है कि यार लोग मुझे बड़े अच्छे से मिल रहे होते हैं और मैं आगे से जी जी अस्सलाम वालेकुम ये याद कोई नहीं होता। तो पूछ लिया करें, सॉरी मैंने पहचाना नहीं। कल पता है
पेपर है आपका, सुबह स्कूल जाना है आपने। सुना सबसे बोलो दुआ कीजिएगा मेरे पेपर्स अच्छे हो जाएं, बोल दो जोर से, इधर मुंह करके बोलो, चीख के नहीं, आराम से। इतनी आहिस्ता बोला है आपने, आवाज भी नहीं आई होगी। क्या है? पानी नहीं है, बोतल दे दो, बोतल दे दो, पानी नहीं, नहीं उसको पहले ही भूख लग रही है, अभी वो नहीं दे सकती। पानी नहीं है कहीं, देखें होगा, पता करें है। हाँ ना, वो उसको मैंने फिट जी। फ्रेंड्स तो ऐसा है कि मैं बहुत ज़्यादा गई हूँ थक, मैंने पहनी है हील आफ्टर अ लॉन्ग 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 टाइम, तो जिसकी वजह से मेरे पैरों में हो गया दर्द और काफ़ी शदीद वाला मैं थक गई हूँ। और मैंने एक कोने की टेबल पकड़ी है और मैं बैठ गई हूँ आके, और फिलहाल मैं यहीं बैठूँगी क्योंकि बस जितना कवर करना था कर लिया। और हमारी जो ब्राइड है माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही थी, अल्लाह उसको खुशियाँ नसीब करे। मेहंदी है आज सैटरडे को, इंशाल्लाह शादी है, तो शादी का व्लॉग मेरा इंशाल्लाह अलग से आएगा क्योंकि ये काफ़ी लंबा व्लॉग हो गया है, तो कोशिश करूँगी कि इसको जल्द से जल्द मैं डाल दूँ। ठीक है, मेरे काफ़ी सारे व्लॉग पहले के पड़े हुए, तो बाद में ऐसा ऐसा आते रहेंगे, ये वाला मैं व्लॉग पहले डाल दूँगी जी। अब हम सारे के लोग बैठ गए, दूसरी मम्मा के यहाँ पर मौजूद, तो मम्मा आज बड़े पुराने पुराने लोगों से मिली हैं। तो मैं कह रही थी कि बस चलिए फिर, अगर तो मुझे आगे मौका मिला व्लॉग बनाने का तो मैं बनाऊंगी, अदरवाइज यहीं पर मैं करती हूँ खुदा हाफिज़। और इंशाल्लाह फिर किसी नए व्लॉग में आप लोगों के साथ जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, दूसरे को खुश रखने की कोशिश करें। अल्लाह हाफिज़। वेट, अभी खाना रहता है, कहाँ जा रहे हैं आप लोग, सब्र करें, दिखाती हूँ। खाना खुल चुका है, जाए मेरे लिए ला दें प्लीज़, मैं अपने बच्चे को सुला रही हूँ। खाने की वीडियो मैं शायद ना बना सकूँ, खाने की वीडियो मैं शायद ना बना सकूँ, तो वो मैं कोशिश करूँगी अली से लेके डाल दूँ, थोड़े से सिनेमैटिक अगर मिल गए थे। रोटी वगैरह भी है, बारबेक्यू वगैरह भी है, क्या लेकर आऊँ आपके लिए? इसको एक प्लेट में कुछ नान रखूँ? हाँ, और ये थोड़ा थोड़ा सारा कुछ ले आए ना, आप भी एक साथ खा लेंगे बैठकर, पहले इसको दे दें, इससे इसको क्या खाना है। मैं इधर आती हूँ रोटी बना के, हटो बेटा।
हलवा है, हलवा पूरी है, आपको क्या खाना है? Ali
सुखे हर काम पे कहती है लड़ी सेरे की इरफान शाह को मुबारक हो भरी सेहरे की और मीरा शाह देखी जो सेहरे की बहार तो आके इंसार ने शादी में ये गाया सेहरा आज हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं इसलिए मिलके सब खुशियां
अब निकल गए हैं घर वापसी के लिए और आज का व्लॉग यहीं तक था। इंशाल्लाह फिर किसी नए व्लॉग में, हाँ जो नया व्लॉग है वो है, वो होगा शादी का इंशाल्लाह। आज मेहंदी का व्लॉग था, कल शादी के व्लॉग में इंशाल्लाह आप लोगों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहें, दूसरों को खुश रखने की कोशिश करें। अल्लाह हाफिज़। मेरा मुँह बहुत काला आ रहा था, मैं यहाँ रुक के थोड़ा सा वीडियो बना लूँ, उसके बाद अल्लाह हाफिज़। और जाते जाते प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और प्लीज़ कॉमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का व्लॉग कैसा लगा। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, अल्लाह हाफिज़।